बर्फ गिरी हुई उधर। बाहर का नजारा, आलमंड ट्री है, बादाम के पेड़ है, देखिए ये है रैबिट। अब हम इधर मिली है नाइट क्लब की टिकट, जहाँ पे बच्चे भी अलाउड। कहाँ है प्रांसी, केक केक है। वेलकम बैक ऑन आवर चैनल गाइस। आज हम पहुंच गए हैं मनाली में, और हम कल चले थे रात को 10 बजे, निकलते निकलते बहुत देर हो गई थी, तो फिर हम रास्ते में काफ़ी जगह रुके भी, इस वजह से हम पहुंचे हैं अभी 11:30 बजे, और अभी बज रहे हैं एक क्या, अभी तो 1:30 बज रहा है। तो रास्ते में हमें बहुत सारे व्यूज़ भी मिले अच्छे अच्छे, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और हमारे पीछे देखिए बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि दो दिन हुआ है, दो अभी भी बर्फ गिरी हुई है। हाँ, दो दिन पहले बारिश हुई थी, तो अभी भी आप बर्फ देख सकते हैं पीछे, बताओ अभी भी बर्फ गिरी हुई है उधर। और ये प्राशविका स्कूल का ट्रिप है, तो सभी फैमिलीज भी आई हुई हैं, तो हमारी 4 ट्रैवलर हैं, तो नीचे सभी अब खाना खा रहे हैं, तो नीचे चलेंगे हम भी खाना खाएंगे, और फिर हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए। और खाना खाने जाने से पहले मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, ये इस तरह से बर्फ़, कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। और ये दूसरा कॉटेज जो हमने लिया है, ये है द मनाली कॉटेज, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, तो 3 जो होटल्स हैं उनमें रह रहे हैं, और ये एक ये है, एक हमारा वाला ये है, जो मैं आपको नीचे से पूरा दिखाऊंगी, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है मनाली, तो आप भी आइएगा ज़रूर यहाँ पर। तो ये हमारी बालकनी से व्यू है, और मैं अभी आपको रूम दिखाती हूँ, ये रहा हमारा रूम, और रूम भी बहुत सुंदर है, और रूम से जो व्यू है देखिए, बाहर का नज़ारा। और ये प्राश्वी हमारी, और यहाँ पे जो होटल वाले हैं वो सबको हिमाचली टोपी जो गिफ्ट कर रहे हैं इस तरह से। प्राश्वी, और ये हैं प्राश्वी के कोऑर्डिनेटर सर, जिनकी वजह से हमें मौका मिला यहाँ आने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। तो यहाँ पे जाओ जा प्राश्वी, और ये हमारा लंच स्पेशल मेन्यू, और ये मैम ये है हमारा होटल, जिसका नाम है कोजी नूक, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर होटल, उनका जेस्चर भी बहुत ही अच्छा था। और ये सभी रेडी हो गए हैं, अभी हम जाएंगे माल रोड, ये आलमंड ट्री है, बादाम के पेड़ हैं, देखिए अभी ग्रीन ग्रीन लगे हैं, अभी पकेंगे, हाँ फिर पकेंगे ना, फिर उनका छिलका निकाल के उसके अंदर निकलेगा बादाम। और ये है एप्पल का ट्री, और यहाँ पे भी अभी ग्रीन ग्रीन एप्पल लगे हैं, गाइस अभी हम हैं माल रोड पे, और यहाँ से हम जा रहे हैं हडिम्बा देवी टेम्पल, और हमारी गाड़ी ने तो हमें यहीं पे छोड़ दिया, टोरंटो नेशनल हाईवे 3। तो हमने जो है अपना ऑटो किया, तो यहाँ से ऑटो में जाएंगे हम, तो यहाँ पे ऑटो के प्राइजेज काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो आप बार्गेन कर सकते हैं, बट यहाँ पे लोग मानते नहीं हैं, सो आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। इन 200 मीटर्स टर्न लेफ्ट। अभी हम हैं हडिम्बा
माता के टेंपल में। और यहाँ पे पीछे देखिए याक, यहाँ पे आप फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। राशि साइड हो, नहीं आते हैं वापिस, तो आप फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं यहाँ पे। रैबिट के साथ 30 रुपीस ये लेते हैं। हाँ ये है रैबिट। अब वापिस राशि ने रैबिट पकड़ लिए। अरे आप ये अभी डाला है, वो काले वाला दिख रहा है कुछ। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, डर तो लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये है हडिम्बा देवी टेंपल, और हडिम्बा जो है वो पांडवों में से एक भीम जो थे वो उनकी वाइफ थी, तो उन्हीं की ये याद में यहाँ पे मंदिर है। और इसकी जो शैली है वो पैगोड़ा शैली है। और अगर आप यहाँ पे सर्दियों में आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा होता है, चारों तरफ बर्फ़ गिरी होती है और बर्फ़ के बीच ये मंदिर, बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है ये। और यहाँ पे आप चाहें तो फ़ोटोशूट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खरगोश, याक और बाकी यहाँ पे जो हिमाचली पोशाक है वो भी हैं, वहाँ पे अलग अलग आप पोशाकों के साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। और यहाँ भी देखिए ये ट्रेडिशनल ड्रेस में लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करवा रहे हैं, तो आप भी चाहें यहाँ पे फोटोग्राफी करवा सकते हैं। और मनाली के साथ में जो जंगल सा है वहाँ पे चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं। और यहाँ पे मैं 10 साल पहले आई थी मनाली 2014 में, जब बीएड का टूर आया था हमारा, और तब भी हम कॉलेज से आए थे। और अभी जो है प्राश्वी के साथ आए हैं, उसका स्कूल ट्रिप आया है, तो पुरानी यादें ताज़ा होगी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो भी। और आई होप कि ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहे। और चलिए अभी देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं हम। जब हम आए तो इतनी भीड़ नहीं थी, तो हमारे दर्शन तो अच्छे से हो गए, बट अभी जो है काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया। हडिम्बा मंदिर जाने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं लोकल मार्केट में। यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलता है। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं माल रोड में, और माल रोड का जो नज़ारा है वो देखते ही बन रहा है। अभी जैसे जैसे शाम होगी यहाँ पे इतने चारों तरफ लाइटें ऑन हो जाएंगी, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और जब बर्फ़ पड़ती है तब और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। नाइट क्लब की टिकट भी मिल गई है, और यहाँ पे नाइट क्लब की टिकट मिली है हमें। देखते हैं हम जाएंगे नहीं जाएंगे, दिखा दो फ्रेंड्स आगे पीछे से दिखा दो ना। ये हमें मिली है नाइट क्लब की टिकट, जहाँ पे बच्चे भी अलाउड हैं। और भीड़ देखो आप। और अभी जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ता जाएगा और ज़्यादा भीड़ होती जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे खेल रहे हैं। और अभी जो मौसम हो रहा है कुल्लू का वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ठंड अभी फ़िलहाल थोड़ी कम है, क्योंकि बारिश परसों हुई थी तो थोड़ी कम हो गई, अगर बारिश हुई तो फिर से ठंड हो जाएगी यहाँ पर। अभी दो तीन दिन के लिए बारिश नहीं बता रहा है मौसम। और वीकेंड पे आप यहाँ पे आ सकते हो आराम से, अपने दो तीन दिन बिता सकते हो, क्योंकि दिल्ली की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है ना, यहाँ पे आपको आके अलग ही सुकून मिलता है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, वैसे तो हम हिमाचल के ही हैं, बट मनाली में आना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। अलग ही फन कर रहे हैं इनका, अलग ही चला। मैं और प्राची अलग ही फन कर रहे हैं गाइस।
गाइस और अभी प्राची को कोई ले लेगा, हम नहीं देंगे प्राची आपको। और अभी हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ पैदल ही, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम, क्योंकि अभी थक गए हैं बुरे हाल से। कौन से गुलाब जामुन है ये, क्या नाम लिया इसका? कौन से गुलाब जामुन है? बेबी गुलाब। बेबी 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 देवी देवी क्या ये हैं बेबी गुलाब जामुन जो इन्होंने ले लिए। कितने के हैं? बहुत महंगा दे रहे हैं फिर। कितने? 50 भैया, बहुत महंगा दिया हमने। ये वो भैया जिन्होंने बहुत महंगा दिया हमें। बहुत महंगा दिया था और ये मनाली में इसलिए महंगा दे रहे हैं। और खा के बताओ कैसा है? बहुत ही ज्यादा गर्म है अभी, थोड़ा ठंडा हो के। हाउ इज इट? बुरा नहीं है बट अच्छा भी नहीं है, ऐसा ही है। ये है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और ये माल रोड से 500 मीटर दूर है। यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। मोनेस्ट्री के अंदर महात्मा बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति है और नीचे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब मुझे इसका मीनिंग तो नहीं पता कि किस लिए होता है ऐसा। केक कहाँ है प्राची? केक केक है ये, प्राची टच मत करो। ये यहाँ पे अलग अलग में भी यहाँ ये मूर्तियाँ होंगी जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है, तो ये भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा इसका। बहुत ही सुंदर है ये। अरे ऊपर भी जा सकते हैं। हम वापस पहुंच गए हैं होटल में और प्राची जो सो गई थी तो अभी उठ गई है और नीचे जो है वो बोन फायर चला हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। और नीचे चाय वगैरह भी मिल रही है। देखिए यहाँ पे बोन फायर हो रहा है, साथ में चाय सर्व की जा रही है। हमारा खाना लग चुका है, मैं और प्राची खाएंगे खाना। देखिए और प्राची की मम्मा क्या कर रही है। प्राची की मम्मा डांस कर रही है, अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे डांस हो रहा है। देखिए आप, डांस चल रहा है अभी वहाँ पे। Oh,
अभी आ गए हैं हम अपने रूम में और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। और इसमें आज हमने कवर किया माल रोड और मोनेस्ट्री और हडिम्बा टेम्पल, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और कल जाएंगे हम स्नो पॉइंट पे और स्नो दिखाएंगे आपको वहाँ पे। तो वीडियो को बर्फ भी फेंकेगी प्राश्वी, और क्या करेगी, बस एंड करते वीडियो। और कौन सा सॉन्ग आएगी? कश्मीर जैसी जगह ले चलो ना, बर्फ जैसी खाऊंगी प्यार तुझे। वाह 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 वाह, तो प्राश्वी सॉन्ग भी सुनाएगी फिर आपको। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक फॉर वाचिंग। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर। हर हर महादेव।